नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव सविता किचन में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सांभर बनाना। सांभर बहुत ही टेस्टी लगता है, ये इडली के साथ डोसे के साथ खाया जाता है और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो चलिए फिर बना लेते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है। अब इसमें ये अरहर की दाल होती है ना, जो वो मैंने 1 घंटा पहले भिगो ली थी, अभी देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। तो पहले इसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो इसमें हम 2 कप मैंने पानी डाला है, आप कटोरी ले तो कटोरी से डाल दें। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। अभी कुकर को बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। पहले भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि दाल अच्छे से गल जाती है और जल्दी बनती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में हम पहले सारे सब्जी को बना लेते हैं। तो ये सब्जियों में मैंने गाजर ली है, हरी बीन ली है, बैंगन लिए हैं और ये टमाटर लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं, ये नहीं है कि जो मैंने डाली वही डाले आप। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अभी ऑयल गर्म होने के बाद सरसों के दाने डाले हैं 1/2 चम्मच और मैंने थोड़े से इसमें मेथी दाने डाले हैं और लाल मिर्च लिए सूखे वाले। मेथी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो ज़रूर डालें, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं डालें। प्याज डाल दिया है, प्याज को भी हम अच्छे से पकने देंगे, यानी सुनहरा कलर आने तक पका लेंगे। अब इसमें टमाटर भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसे भी बारीक कट कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, तो भी डाल दिया। हरी मिर्च आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च भी डाल देंगे थोड़ी सी, यानी 1/2 चम्मच, अच्छे से मिला देंगे ताकि जो टमाटर है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो हमने मसाले डाले वो भी अच्छे से पक जाए। तो इन्हें पका लेते पहले 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें बीन डाल देंगे, गाजर भी डाल देते हैं, बैंगन भी डाल देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार और भी सब्जियां ले सकते हैं, इसमें लौकी भी कद्दू भी डाल सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो वो सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर दें। अभी सारे सब्जियों को अच्छे से मिला देंगे, उसके बाद इसमें हम पानी डालकर इसे पकने देंगे सब्जियों को। अभी यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया, थोड़ा सा वो डाल देंगे। अभी अच्छे से सारी चीज़ सब्जी ना इनको मिलाकर ढक देंगे, 5 से 6 मिनट के बाद भी चेक करेंगे। तो पानी तो सूख चुका है, तो सब्जियाँ भी अच्छे से बॉयल हो चुकी होंगी, अभी चेक करते हैं। तो ये देखिए सारी सब्जियाँ अच्छे से गल चुकी हैं, ये देखिए अच्छे से। तो अभी इसमें हम जो हमने दाल ली थी ना फ्राई करने के लिए रख दी थी, वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, थोड़ा सा उसे फेंट लिया है। तो सारे उस कढ़ाई में डाल देंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छे से पकी है दाल भी। अभी इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है, 1 गिलास पानी डाल दिया मैंने, ये थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती खाने में। अभी 1 गिलास पहले डाला था, 1/2 कप मैंने अब डाल दिया, टोटली 1.5 गिलास मैंने पानी डाला बाद में। तो यहाँ पर मैंने सांभर मसाला लिया है 2 चम्मच। अभी सांभर मसाला बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, वो डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो ज़रूर ट्राई करना। अभी देखिए मैंने मसाला भी डाल दिया था, अभी नमक डाल देंगे। मैंने बॉयल होते टाइम भी दाल में डाला था, लेकिन थोड़ा सा आप और डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ये मिश्री ली है, यदि आपके पास मिश्री नहीं हो तो गुड़ का थोड़ा छोटा सा पीस ही डालें इसके अंदर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो ज़रूर डालें। मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैंने मिश्री डाली है, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच डाली मैंने। अभी अच्छे से मिला देंगे, यदि आप और इसे गाढ़ा करना चाहें तो कम पानी डाल सकते हैं, ये थोड़ी सी पतली रखूँगी मैं इसे। तो भी 10 मिनट के बाद देखिए अच्छे से बन चुकी है, सांभर बनकर तैयार है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और सर्व करिए इडली के साथ, डोसे के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है सांभर। उम्मीद है दोस्तों आप इसी तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पर मैंने इडली के साथ सर्व किया है, आप इन्हें अपने मन चाहे डोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।